हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एफएम फैशन ब्लॉग चैनल में। और आज का ब्लॉग में आप लोगों का साथ मैं शेयर करूंगा हमारा सोसाइटी में 26 जनवरी में जो हैप्पी रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो नेशनल फ्लैग को उत्तरण किया है, वो इस वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकता है ये जो है हमारा सोसाइटी का मेन गेट है, और मेन गेट में सिक्योरिटी भाई साहब खड़ा है, आप देख सकते हैं। और इधर हम लोग नेशनल फ्लैग लगा दिया और मस्त हवा आ रहा है, तो हवा में खुशी से पूरा लहर हो रहा है नेशनल फ्लैग में, तो एक अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है। गाइस, आप फुटेज में देख सकता है जो हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे का जो अरेंजमेंट हो रहा है, वो अरेंजमेंट किस तरह हो रहा है वो मैं फुटेज में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। और सब लोग खुश है और हम लोग साथ मिल के हैप्पी रिपब्लिक डे को मनाएगा और जो नेशनल फ्लैग को हम उत्तोलन करेगा। दिवस पूरे कमेटी के तरफ से और हमारे रेसिडेंस की तरफ से यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम है वो हमारे जो सीनियर सिटीजन से उनको यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम करना है। LIC जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी या किसी को कुछ अड़चन हो तो यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया। मिस शिल्पा जी एंड सीमा मैम आपको गाइड करेंगे और आपको डोर स्टेप तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करके देंगे। Gujarat, Kerala, Bengal, India.
हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे राहे तब जय दाता जन मंगल दानक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे किंगस्टन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब जी सुरेंद्र अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द यहां पर बच्चों को कुछ गाइड करें। आज 75th रिपब्लिक डे हम यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे विश करता हूँ। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सबको। मुझे एक ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो, हम किंगस्टन देवासी सभी लोग साथ में एकजुट होके रहना है। अभी भी हम लोग सभी कार्यक्रम में कोऑपरेट करते हैं, वैसे ही सभी आगे भी फ्यूचर में भी सभी सेलिब्रेशंस में भी वैसा कुछ भी सेलिब्रेशन और कुछ भी हो उसी में भी हम सब शामिल होके कोऑपरेशन की तरफ से रहना है, यही मुझे बोलना है। हैप्पी रिपब्लिक डे। वंदे मातरम। थैंक यू। मैं शब्बीर अहमद शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों को कुछ गाइड करें, दो शब्द कहे। जो जी मुर्गेश रुद्रप्पा, प्लीज यहां पर आकर दो शब्द कहे। हैप्पी रिपब्लिक डे के लिए शुभकामना सबके लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते, धन्यवाद रुद्रप्पा जी। उन्होंने काफी अच्छा मार्क्स लेकर लास्ट ईयर 10th और 12th पास आउट किया है, तो उन सभी बच्चों को कमेटी की तरफ से और पूरे किंगस्टन सोसाइटी सभी रहवासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई आगे का फ्यूचर के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम जो होता है हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे किंगस्टन रहवासियों की तरफ से जो इकट्ठा होकर कार्यक्रम होता है, तो उनमें काफ़ी मेहनत हमारे सोसाइटी मेंबर्स, हमारे सोसाइटी के सभी रहवासी करते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रहलाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर दो शब्द कहे। सबसे पहले जो 75 इयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, उसके पीछे बहुत लोगों का त्याग है, बलिदान है, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा बहुत सारा कुछ डिफ्रेंशिएट था और अभी भी चल ही रहा है, तो वो सबको हम ये गेट के बाहर रखते हैं और हम एक किंगस्टन फैमिली की तरह आके एक साथ रह के इसको सेलिब्रेट करना है। तो यही यूनिटी को हमको मेंटेन करने के लिए आने वाले संडे को, देखो बच्चे जो रहते हैं ना वो जोड़ते हैं, बच्चे जो हमारे रहते हैं ना हमेशा हमको जोड़ते हो, वो कई से मतलब किसी भी यहाँ से आने दीजिए, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग ने आने वाले संडे को एक छोटा सा टूर्नामेंट रखा है बच्चों का अंडर 15 का, जिसमें हम हमारे किंगस्टन के बच्चों का एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है।
तो मैं सभी पेरेंट्स लोगों से विनती कर रहा हूँ कि उनको आके थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दीजिए। बच्चे हमको जोड़ के रखेंगे और बच्चे ही हमको आगे लेके चलेंगे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उस दिन उधर आके उनको प्रोत्साहन दीजिए। और हर कार्यक्रम में सिर्फ कमिटी मेंबर करने से अच्छा अगर रेसिडेंट भी आगे आके कुछ सुझाव देते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऑलवेज वेलकम, बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी इजिली एग्जीक्यूटेड। तो हम सब मिलके करेंगे तो इजीली होगा, अगर किसी एक को करना है तो तकलीफ होती है और कुछ नहीं। सो प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, इन फ्यूचर में भी अगर आपको आना है आगे, प्लीज कम एंड गिव योर सजेशन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद चेयरमैन सर जी। जो किंगस्टन रहवासियों में से हमारे जो कि बच्चों ने काफी अच्छा मार्क्स लेकर जो 10th 12th का पास आउट किया है, तो उनको यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं श्रेया निगोत यहाँ पर उपस्थित होंगी तो जरूर जरूर यहाँ पर आ जाइए। तो उनका सम्मान करने के लिए मैं हमारे सेक्रेटरी साहब जी सुरेंद्रन अंकल जी और वाइस सेक्रेटरी यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहना चाहूंगी कि मतलब अपने स्टडी पे जितना फोकस और कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे तो वैसे ही मार्क्स आ गए। सिर्फ फोकस रहो और कॉन्सेंट्रेट करते जाओ पढ़ाई पे, अपने आप मार्क्स मतलब स्कोर करोगे अच्छे। यहाँ ट्रेजरर रवि यादव जी और असिस्टेंट ट्रेजरर सरवन्ना जी और सतीश जी यहाँ पर आकर उनका सम्मान करें। यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और उनका सम्मान करने के लिए हमारे कमेटी मेंबर्स रिचर्ड सुनील मंजीत रूपेश जी सभी कमिटी मेंबर्स को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। तांचे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स वगैरह कोई होगा तो हमारे 10th के जिन्होंने बच्चे जिन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा मार्क्स लिया है, मार्क्स लेकर पास आउट किया है, उसी तरह 12th जो कि हमारे करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें हमारे सोसाइटी के अश्मिरा कश्यप शेख इन्होंने काफी अच्छे मार्क्स लेकर अपना 12th पास आउट किया है, तो उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अश्मिरा कश्यप शेख जो उपस्थित है उन्होंने तो उनका सम्मान स्वीकार लिया है, बट जो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है, उनके फैमिली मेंबर्स से उनसे कि सोसाइटी ऑफिस से वह अपना सम्मान लेकर जाए। तो जिन्होंने अच्छा नाम यहाँ पर किंगस्टन का रोशन किया है, ऐसे अमन गुप्ता जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। अमन गुप्ता जी 95% लेकर उन्होंने इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम पास की है। जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं तो उनको कुछ गाइड करें ताकि वो भी आपके जैसा काफी अच्छा एजुकेशनल स्ट्रगल करने का। अभी आप किधर जा रहे हो, अभी आप रोज किधर जाते हो? चांदीवली। चांदीवली कितना लंबा है बताओ ना उनको। ये यहाँ से अमरनाथ सेंट्रल लाइन का एक चौक है, अमरनाथ सेंट्रल लाइन का एक चौक है, यहाँ से बच्चा सुबह निकलता है पढ़ाई के लिए, कहाँ पे जाता है पता है? कांदिवली। उसका पेन मुझे पता है क्योंकि मैंने मेरा करियर यहीं से शुरुआत की थी, अंबरनाथ टू करियर, अंबरनाथ टू कांदिवली। तो ये बच्चे का पेन वो बोलता है डैडी को, पप्पा बहुत तकलीफ होता है, तो पप्पा क्या बोलता है, अभी शायद तेरे पैर में छाले पड़ेंगे लेकिन उसी के बाद ही तेरे पैर में अच्छे से अच्छे शूज आएंगे।
बराबर है ना। थैंक यू। हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ गाइडेंस के तौर पर दो शब्द कहते हैं, तो मैं बच्चों में से किसी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस किसी को भी यहाँ पर आकर हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे मम्मी पापा, तो एक दो मिनट यहाँ पर आकर बात करें, यहाँ पर उनको किस तरीके से कैसा लग रहा है ये जो गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो उनको कैसे लग रहा है, और उसके बाद में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों को, तो कृपया कोई भी बच्चे यहाँ से ना जाए, पहले बच्चों को होगा, फिर हमारे जो भी रेसिडेंट्स हैं उनको होगा। आस्वाद लीजिए गणतंत्र दिवस का। वर्षा मैम और मीनू मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आकर उनका स्वागत करें। टेंथ पास आउट किया है काफी अच्छे मार्क्स लेकर। मैं सानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त फोकस करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, किसी का नहीं सोचो, बस अपने आप को ही आगे बढ़ने दो और अपने सपने पूरे करो। थैंक यू, हैप्पी रिपोर्ट। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है शेखर विचारे जी, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ ताकि वो कैंप के बारे में आपको बताए क्या एग्जैक्टली और क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो सभी से गुजारिश है कि हमारा LIC का फ्री सर्विस कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है, तो हमारे पुराने LIC के कुछ इन्वेस्टमेंट हो। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए। आपको FM फैशन ब्लॉग चैनल में कंटिन्यू ब्लॉग चाहिए, कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। दोस्तों, इस चैनल पे जो पहला बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे लास्ट सभी फ्रेंड्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।